नमस्कार दोस्तों, आपका पाल्मिश्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप मंगलिक हैं। मंगलिक का नाम लेते ही एक जहन में शब्द आता है कि मेरी शादी से और मेरी शादी होगी तो क्या मंगलिक के साथ होगी कि नॉन मंगलिक के साथ होगी। और मंगलिक का मतलब पराक्रम दिखाना, हिम्मत दिखाना, साहसी होना, ये कौन सी बुरी बात है। मंगल के व्यक्ति साहसी होते हैं, लेकिन इस पराक्रम को कई जगह पे मैंने देखा है काफी बुरा प्रभाव भी दिखाता है। अगर ये शादी की बात करते हैं तो जीवन में कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है और ये पराक्रम भी दिखाता है मंगल। तो इस विषय पर आज हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले अपने जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा हमारे जीवन में होने वाली एक एक घटनाओं का विस्तार बताते हैं। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे बुद्धि के बारे में बताती है, हमारे विचार कैसे हैं, हम कितने गहराइयों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी दिल की रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम प्रवाह के बारे में बताती है। आज हमने बात की है हाथों में कैसे जाने कि हम मंगलिक हैं कि नहीं मंगलिक हैं। और ये विषय काफी रोचक विषय है और काफी संघर्ष का भी विषय है, क्योंकि माता पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी की शादी मंगलिक है, होगी कि नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है ये। आपने देखा होगा मंगलिक का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। और इनके उपायों को किया जा सकता है, उपायों के माध्यम से ठीक भी किया जा सकता है। अब वो कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा संकेत होता है जो आपको बताएंगे कि आप मंगलिक हैं। सबसे पहले जो मंगल का प्रभाव होता है, पराक्रम दिखाना। पराक्रम अपने आप में एक शक्ति है, एक ताकत है। मंगल वाले व्यक्ति मैंने देखा और पाया है वो अपने मन की बातें करते हैं और अपने अंदाज में बातें करते हैं। वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं। शायद इसी बात को लोग पराक्रम समझते हो, अपनी मर्जी से करना जानते हो। और ये पराक्रम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतभेद की स्थिति बना देता है। जब भी हम मंगलिक की बात करेंगे, हमारी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में भिन्नता मिलेगी आपको। ऐसे लोगों के विचार हमेशा अलग होंगे, एक दूसरे के साथ सोच अलग होगी, लेकिन एक चीज का पराक्रम दिखाता ही होते। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा और पाया भी होगा, सच्चाई की तरफ लड़ते हैं, डर के काम नहीं करते, निडर वाला काम करते हैं। जो कहना वो सच बोल देना और सबके सामने बोल देना, ये इनकी एक क्वालिटी होती है। पराक्रम है तो मंगल तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा, भिन्नता होती है। और ऐसे लोग काम भी करते हैं, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कर देते हैं और इनाम लेने के लिए वहां पे नहीं खड़े रहते हैं। काम किए
और काम करने के बाद अपने स्थान को दोबारा वापिस आ जाते हैं। ये पराक्रम है, एक इनका स्टेटस होता है और उस स्टेटस के आगे झुकते भी नहीं है और दिल की बात कहने में डरते भी नहीं है। इन दोनों रेखाओं का गैप होना मंगल को ही प्रभावित करता है, मंगल को ही दिखाता है, पराक्रम को ही दिखाता है। और ये मंगल का ये पर्वत है, अगर ये उठा है इसको उच्च का मंगल बोलते हैं। ऐसे लोग पराक्रमी तो होते हैं, साहसी तो होते हैं, लेकिन हर काम करने की एक्टिविटी भी रखते हैं। अब यहां पर मंगल के क्षेत्र से कुछ रेखाएं जीवन रेखा को प्रभावित करें, ये अनवांटेड रेखाएं प्रभावित करें, ये मंगल के प्रभाव को दिखाती है। और इसी मंगल के क्षेत्र पर, मंगल के क्षेत्र पर जाल बन जाए, ये जाल बन जाए, ये भी मंगल के प्रभाव को बढ़ा देता है, मंगल के गुणों को बढ़ा देता है। शायद ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, अपनी बात को कायम रखना जानते हैं और सच्चे मन से करना चाहते हैं, किसी के अंडर में होकर काम नहीं करना चाहते। और दूसरी विशेषताएं होती है, जब भी हृदय रेखा से कोई एक रेखा मंगल के क्षेत्र को प्रभावित करे या मंगल के एरिया को देखे, हार्ट लाइन हमारी जब भी मंगल के क्षेत्र में एंट्री करती है, ये हार्ट लाइन हमारा दिल होता है, पराक्रम करने की चाहत रखता है, दिल की बात करने की चाहत रखता है, और ये अपने पराक्रम पाने के लिए विजय की पथ पर जाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में हर कदम अपने बल पर उठाते हैं और अपनी हिम्मत पर उठाते हैं। और इसी के साथ यहां पर दीप भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मंगल के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। और हाथ का ये जो कलर है, अगर आपका हाथ बिल्कुल डार्क लाल कलर में है तो ये मंगल के प्रभाव को बढ़ाता है। और इसी के साथ ये बुध का क्षेत्र है, इसको हम बुध का पर्वत बोलते हैं, बुध का पर्वत। बुध के पर्वत पे अगर विवाह रेखा है और कहीं ना कहीं वो बुध के क्षेत्र से निकलकर कहीं ना कहीं हार्ट के लाइन में मिलती है, ये भी विवाह के संचार को प्रभावित करती है, विवाह के दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे लोगों को अगर मांगलिक होंगे तो अपनी मर्जी से शादी करना चाहेंगे, किसी के अंडर में और किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उस दोष को यह भी दिखाता है। और जब भी मंगल का प्रभाव होगा जीवन में, ऐसे लोगों को कहते ना कि 28 साल तक मंगल का प्रभाव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल के लोग जो पराक्रमी होते हैं हमेशा के लिए होते हैं, 28 साल की बात नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए बातें, हमेशा हमेशा के लिए पराक्रम करना जानते हैं। और मंगलिक लड़की है या मंगलिक लड़का है तो एक दूसरे को अटल प्रेम भी पाना चाहते हैं। और यह कहां की सत्यता नहीं है कि पति पत्नी का ख्याल ना रखें, वो उनके दायरे से कहीं और दूर ना जाए, इस चीज के लिए पराक्रम करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।